आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक कुंदरकी के गांव सौंदा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 30 किलोमीटर तो ब्लॉक से 10 किलोमीटर है। गांव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। ग्राम प्रधान हाजी आरिफ हुसैन और सचिव विवेक के द्वारा गांव में काफी विकास कराया गया है। लॉकडाउन के चलते भी ग्रामवासियों की काफी मदद की गई है। चार वर्षों में इन्होंने गांव को किस तरह से सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान की। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक कुंदरकी के सौंदा ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य हुए हैं इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ प्रधान जी से लेकर ही आपको बताएंगे। तो आइए बात करते हैं प्रधान जी से। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है प्रधान जी। जैसे कि साढ़े चार साल आपके कार्यकाल को पूरे बीत चुके हैं, इस कार्यकाल में पूरे टाइम पीरियड में क्या क्या विकास कार्य अपने गांव में करवाए? यह सिस्टर हमें जो है सन 2011 की सूची के अनुसार दो आवास मिले थे, वो हमने बनवा दिए। और जो है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो शौचालय मिले थे 371, वो हमने पूर्ण विकास कर लिया। ODF हो गई हमारी। और जो हमारी दो तीन चार दफ़ा बल्कि जो है हमने अधिकारियों को चेक कराया, जब बुलवाई जी, हमारा जो है आज तक गांव में ना हमारे खिलाफ किसी अधिकारी ने कोई शिकायत देखी नहीं। मतलब आपने जो ये शौचालय का काम है वो पूरी तरह से निष्पक्ष ईमानदारी के साथ किया। हमारी चार दफे जाँच भी हुई इन चीज़ों की, हमारे खिलाफ ना तो किसी अधिकारी ने किसी ना किसी गाँव वाले ने कोई शिकायत आज तक नहीं। रास्ते सीसी टाइल वगैरह ऐसे थे हमारे गांव के करीब में, यह नदी है, गांव में नदी और रामगंगा दोनों मिलकर जब बाढ़ आती थी तो रास्ते बहुत खराब हालत में कच्चे थे रास्ते। उसमें मैंने जो है 11 रास्तों में RCC के रोड बढ़िया करके मौजूदा हालत में अब भी जो है बिल्कुल साफ सुथरे रहते हैं, जो मैंने करा दिया। अभी 3-4 रास्ते कच्चे और पड़े हैं, उनका भी मुझे जो है कराना। कितने मीटर सीसी अभी और मतलब लगभग 400 मीटर के आसपास में सीसी और कराना है, जो कि पूरे गांव में रास्ते के लिए कोई परेशानी नहीं। कितने परिवार अभी और ऐसे होंगे जिन्हें आवासों के लिए जरूरत है? यहाँ तो कम से कम जो है 180-90 80-85 आवासों की जरूरत है, जिसकी वजह से 20 शौचालय का जो है मेरा वो आवासों का रजिस्ट्रेशन अब हो गया है, वो सूची मुझे जो है मिल चुकी है। जैसे कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, या किसानों को जो सम्मान, गाँव में कितने लोगों को? मैं बताता हूँ उसके बारे में आपको। जो किसान प्रधानमंत्री योजना चल रही है किसानों के संबंध में, वो लगभग 80% मेरे गांव में सही हो गए हैं। चार दफ़े 20% लोग ऐसे हैं जिनके अभी कागज़ जो है नामों में, आधार कार्ड में, बैंक के खाते में गड़बड़ी, तो इनकी रुकी हुई है। पेंशन वगैरह सबको मिली? पेंशन जो है नई पेंशन के हमने फार्म भर के दिए कई बार सुबह, और जो है वो पास भी करा दिए, तहसील से जाँच हो गए और ब्लॉक द्वारा, लेकिन अभी उनके खाते में पैसा नहीं आया। लगभग वो जो है 28 लोग ऐसे हैं जो पहले साफ सफाई की कैसे होता है? साफ सफाई मेरे यहाँ एक कर्मचारी है और बाकी जो रेगुलर कर्मचारी आते हैं वो मेरे पास छुट्टी के दिन नहीं आते हैं, जो सरकारी अवकाश होता है, और बाकी जो है सब दिन वो आते हैं। और बाकी जो त्यौहार आते हैं जैसे होली है, दिवाली है, ईद है, मुहर्रम है, जो भी त्यौहार है उनके द्वारा मैं अपने पास से आप अपने स्तर पर करवाते हैं। यहाँ पर जैसे स्कूल में कायाकल्प के अंतर्गत क्या क्या काम करवाए हैं? स्कूल के अंदर में हमारा प्राइमरी स्कूल जो है वो जर्जर हुआ था पहले से, उसका हमने प्रस्ताव लिख के भेजा, उसकी नई बिल्डिंग तैयार हो रही है और उसमें जो है शौचालय, नल, हैंडपम्प और टंकी पानी की, ये जो है शौचालय बिल्कुल पानी की व्यवस्था पूरी करवा रखी है। अब बिल्डिंग बन रही है उसकी, जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो उसका सही। सरकारी बिल्डिंग में या स्कूल के अलावा और कुछ है जैसे बारात घर, पंचायत घर? पंचायत घर है तो वो भी जर्जर हालात में है, अब उसके बारे में जो है हमने कार्य योजना में अपनी डाला हुआ। आंगनवाड़ी केंद्र है वो भी मतलब खस्ता ही हालात में मिले थे हम। तो उनमें कोई काम हुआ अभी हुआ नहीं है। लैट्रिन वगैरह जो बच्चे जाते हैं उनके लिए इंतजाम कर दिया पानी का, और शमशान घाट कब्रिस्तान ये बने हुए हैं? नहीं है हमारे यहाँ बने हुए, शमशान हैं, कई बार प्रस्ताव लिख के दिया लेकिन शमशान का कोई कथन नहीं है।
जगह है ग्राम समाज, जगह है ग्राम समाज की, मतलब शमशान के लिए प्रस्ताव दिए हुए आपको कितना समय हो गया था अभी तक? उसका 2016 में दे दिया था, ध्यान दिया अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं, मतलब कोई आश्वासन कोई भी किसी भी तरह की स्वीकृति नहीं जी। अस्पताल? अस्पताल नहीं है। कितनी दूरी पर है? यहाँ से है लगभग 3 किलोमीटर है। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र, उपस्वास्थ्य केंद्र आसपास नहीं है इससे पहले? इससे पहले अब जैसे कि 70 दिन का लॉकडाउन रहा है और अभी भी बीमारी भी फैली हुई है, लॉकडाउन भी जारी है एक तरह से, तो इसमें काफ़ी लोगों को परेशानी आई होगी कई तरह की, परेशानी आई है। अपने गांव के लोगों की आपने किस तरह? हमने जो है अपने जो है हमारे पास एक बाइक है उसके द्वारा जैसे किसी भी बुखार का या कोई लक्षण दिखाई दिया, हम कुंदर की भी लोग लगता है हमारा 10 किलोमीटर है 11 किलोमीटर यहाँ पर, हम जो है अपने द्वारा खुद स्वयं के लिए लड़के के द्वारा अपने जो है उन्हें भेज के दिन में साइकिल चेकअप करा के लेके आते हैं। जैसे गरीबों को खाने पीने की दिक्कत यहाँ पर आई है, गरीबों को जो है हमारे गांव ज़्यादातर जो है कुछ ही कमी मजदूर हैं यहाँ, बाकी जो है जो मजदूर हैं वो अभी अभी बाहर हैं हमारे यहाँ से, जैसे चंडीगढ़ में है, दिल्ली में है, मतलब अभी तक लौटे नहीं, अभी तक लौटे ना, जो 16-17 लोग आए थे यहाँ उनकी देख रेख हमने राशन कोठे द्वारा पूरी दो दुकानों को पूरी कर दी, कोई ज़्यादा हमारे यहाँ परेशानी की समस्या का दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित करने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहते हैं? सरकार से क्या रखना चाहते हैं, हमारे गांव का एक विकास ये हो जाए, एक तो जो है पंचायत घर से कहीं पैसा मिल जाए वो जगह सही हो जाए, और एक खेल का मैदान है उसका भी हमने प्रस्ताव दे रखा है, उसके लिए जो है बाउंड्री हो जाए और शमशान धाम की बाउंड्री हो जाए, बस यही है कि 2-4 चीज़ें और हो जाए तो हमारे गाँव में सही हो जाए। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इस 4-4.5 साल के अंतराल में यहाँ करवाया गया है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, आवास भी मिले हैं लोगों को, शौचालय से गांव पूरी तरह से ODF हो चुका है, स्कूल में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है, लेकिन कुछ समस्याएँ अभी भी यहाँ बाकी हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अगर देखी जाए तो यहाँ पर बारात घर जो कि निर्मित ही नहीं है, पंचायत घर जो निर्मित है लेकिन बहुत ही जर्जर हालत में है, जिसके नवनिर्माण के लिए यहां प्रस्ताव दिया जा चुका है, खेल का मैदान, शमशान घाट, इनको लेकर कई साल पहले यहां प्रस्ताव दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही, स्वीकृति, किसी भी तरह का कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है। अशरफ अली के साथ मुनाज़रीन, 24/7।